दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू BM2 क्लासेस। जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था और इस बात पे कमिटमेंट किया था कि ये सीरीज जो चलाने वाले हैं 90 दिन का 90 मैराथन क्लासेस, आपके लाइफ का सबसे सुनहरा ये मौका होगा कि 2025 में आप 12th का सबसे बेस्ट नंबर मैथ में लाएंगे। दोस्तों जैसे कि हम बता दें आपको कि आज ये पहला दिन स्टार्ट होने जा रहा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये गतिमान बैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और गतिमान बैच ये 90 दिनों तक यानी 90 क्लास तक चलेगा, और एक क्लास आपके लिए, एक एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ये सूचित कर दें कि आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि ये सीरीज इसीलिए चला रहे हैं कि 2025 में आपका 95 प्लस नंबर, 99 100 में 100 नंबर लाने का आपका भी मौका मिले। तो दोस्तों हम तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। देखिए ITF का यानी चैप्टर 2 का ये हम सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चैप्टर 2 का ITF का घबराना नहीं है। जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और जो जानते नहीं है कि क्या होता है, हम गारंटी देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि उनको भी समझ में आएगा। देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और चार ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चार ऑप्शन देगा और इस ऑप्शन में कुछ ना कुछ देगा। तो देखिए हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन लिखेंगे तो फिर सॉल्व करने से क्या फायदा, फिर कोई दिक्कत, मतलब आपको लगेगा ऑप्शन उठा के डालेंगे तो फिर सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं जिससे तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और वो भी कंसेप्ट के साथ। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों हम बता दें कि क्वेश्चन बनाने के लिए और इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ न कुछ नॉलेज चाहिए। अगर कुछ नॉलेज न मालूम हो तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। आइए थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, कुछ नॉलेज दे देते हैं। क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम जरूरी है, मतलब कि वो उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आइए जान लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको 5 मिनट तक कुछ कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, वैसा कंसेप्ट जो कि एकदम 100% आपको आना चाहिए। क्या है तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है दोस्तों कि आपको ITF का प्रॉपर्टी जाना चाहिए, ITF का प्रॉपर्टी जाना चाहिए। आप कहिएगा कि ITF का होता है, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं मालूम होगा। इसका चैप्टर का 2 का नाम है, चैप्टर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हम शॉर्टकट में लिखे हैं, चैप्टर 2 का नाम है। इसका कुछ आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। तो खैर जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो आइडेंटिटी बता देंगे, जहां आपका क्लियर हो जाएगा। दो नंबर में बात करूं तो दो नंबर में सबसे ज्यादा अगर इसमें यूजफुल होता है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है, क्लास 10 में आप पढ़े थे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सेक कोसेक। देखिए हम ज्यादा स्पीड नहीं चल रहे हैं और स्लो इसलिए चल रहे हैं कि ये पहला क्लास है, अच्छा से समझिए और समझकर कॉपी में नोट कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा स्लो चलेंगे, धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाया जाएगा। दोस्तों तो देखिएगा आप क्लास 10 में पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दोस्तों ये वैल्यू याद होना चाहिए, ये वैल्यू याद होना चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक दो लिख देना है। साइन 0 का 0 होता है,
37 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का रूट 3/2 और 90 का होता है 1। कॉस का लिखना है, इसको पलट दीजिए, 1 होता है, रूट 3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, ये 0 होता है। दोस्तों 10 का लिखना है तो साइन बटा कॉस होता है तो 10 हो जाएगा, तो 0/1 तो 0 हो जाएगा। इतना बाई इतना कीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये काटिएगा तो √2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, केवल √3 हो जाएगा और ये बाबू 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। कट का लिखना है, इसको पलट दीजिए, नॉट डिफाइन हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। sec का लिखना है दोस्तों, तो sec का होता है 1/cos, इसको बट्टा में कर दीजिए, 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2, ये 2 आई नॉट डिफाइन हो जाएगा, पलट दीजिएगा, नॉट डिफाइन 2√2, 2/√3 ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, और एक चीज और मालूम होना चाहिए कि कोई भी डिग्री में हो, कोई भी चीज डिग्री में हो एंगल, तो उसको रेडियन में कितना होगा ये मालूम होना चाहिए, रेडियन में क्या होना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। तो देखिए रेडियन में निकालने के लिए एकदम आसान तरीका हम बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिग्री में मालूम है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, तो उसमें लिखेगा ये वाला वैल्यू लिखेगा, आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कितने का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का। हम बता देते हैं रेडियन में चेंज करने के लिए, अगर जितना भी हो 30 डिग्री, जितना भी डिग्री हो उसे रेडियन में कैसे बदलेंगे दोस्तों। तो देखिए बदलने के लिए आप 180 में डिवाइड कीजिएगा, इससे जितना डिग्री होगा 180 में डिवाइड कीजिएगा, तो 0 से 0 6 3 18 यानी 6, जितना आएगा पाई के नीचे लगा दीजिएगा वो रेडियन में बदल जाएगा। हमने क्या कहा समझिएगा, जितना डिग्री का मान होगा उतने डिग्री को आप 180 में डिवाइड कीजिएगा, जितना बार में कटेगा पाई के नीचे लगा दीजिएगा रेडियन में बदल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिए है, अभी थोड़ा सा इसलिए दिया कि इतना भी मालूम होना चाहिए। आइए क्वेश्चन को हम डील करते हैं, यानी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए, कॉपी कलम साथ में रखिएगा और अच्छा रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी से पूछा गया है, इसका प्रॉपर्टी है, कहता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू। दोस्तों मैं बता दूं कि ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एक साइन इनवर्स हो और एक कोस इनवर्स हो, तो ध्यान से देखिएगा, एक साइन इनवर्स है एक कोस इनवर्स है, अब दोनों का थीटा अगर इक्वल हो मतलब एक जैसा हो तो उसका आंसर पाई बाई टू होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया पाई बाई टू, यानी बन गया। देखिए कैसे ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इसके दोनों का थीटा सेम हो तो दोनों का थीटा सेम है तो इसका आंसर हो गया पाई बाई टू। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं, आइए बताते हैं सॉल्व करके कैसे आएगा। आप कहिएगा नहीं सर इसको सॉल्व करके बताइए, जैसे हमने तो प्रॉपर्टी यूज करके अगर थीटा सेम हो, एक साइन हो एक कॉस हो, तो हमने पाई बाई टू लिख दिया। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा नहीं कीजिए, आप सॉल्व करके लाइए, आप सॉल्व करके भी लाओगे तो उतना ही होगा। देखिए कैसे साइन इनवर्स लिख देंगे, अब पता करेंगे कि साइन कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा सर जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो अभी बताएं साइन 30 को रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 6 लिखेंगे। दोस्तों साइन 30 को रेडियन में पाई बाई 6 लिखेंगे। अब देखिएगा कॉस इनवर्स, अब कॉस 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉस 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखिएगा। देखिए हम क्या बताएं, जितना डिग्री हो उसमें 180 से 180 में भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, यानी पाई के नीचे 3 होना, यानी कॉस पाई बाई 3 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। दोस्तों साइन इनवर्स से साइन खत्म तो पाई बाई 6 बचेगा, और कॉस इनवर्स से कॉस खत्म तो पाई बाई 3 बचेगा। हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों 6 होगा, ध्यान से देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 6 1 6 तो यहाँ पे पाई होगा, ये दो पेर में आएगा तो 2 पाई होगा, जोड़िएगा तो 2 पाई 1 पाई 3 पाई होगा, अब बटा में 6 होगा, काट दीजिएगा 2 बार में तो पाई बटा 2 आएगा। तो क्या जरूरी है इतना सॉल्व करने का, आप डायरेक्टली वहां पे पाई बाई 2 लिख सकते हैं, कब जब आपको आइडेंटिटी ये समझ में आएगा तब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 2 का बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने बोला तो जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे सब ऑब्जेक्टिव आज पढ़ाएंगे, हो सकता है छूट जाए तो कल भी पढ़ाएंगे, लेकिन इतना पढ़ाएंगे
कि इसके अलग से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आई नहीं करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा पांच हो तो फाइंड कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी आइडेंटिटी हम लगाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी ट्रिगो का आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी अभी हम आपको पढ़ा यहाँ पे आइडेंटिटी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। इसी आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए कैसे, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या किया, लिख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, हमने लिख दिया पाई बाई टू, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मान यहाँ पर लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स का मान पाई बटा फाइव दिया है, इसके जगह पे पाई बटा फाइव लिख दिया हमने, इसके जगह पे पाई बटा फाइव लिख दिया। ये कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स, और पाई बटा टू है तो पाई बटा टू। हमने कुछ नहीं किया, इसका वैल्यू दिया था इसके जगह पे लिख दिया, इस आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल किया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, अब माइनस में हो जाएगा पाई बाई फाइव। आगे बच्चों चलेंगे, आगे समझेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 होगा एलसीएम इसका, यहाँ पे 5 पाई हो जाएगा, अगर बटा पर के घटा आता होगा तो एलसीएम लेंगे तो 2 के पहाड़ा 5 बेर में आएगा 5, और 2 बेर में आएगा तो हो जाएगा 2 पाई। अब सल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 पाई बटा 10, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सब क्वेश्चन शुरू से अंत ले जितना क्वेश्चन हम बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ और थ्योरी के साथ बताएंगे, आप बने रहिए और अंत तक देखते रहिए, बीच में छोड़ के मत भागिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री है साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट क्या होगा। चार ऑप्शन दिया रहेगा आपको, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि सॉल्व करना सिखा रहे हैं, अगर ऑप्शन ही टिक मारना है तो फिर क्या बात रह जाएगा, ऑप्शन टिक मारना है तो सॉल्व करके मारिएगा ना, कि अंदाजे मार दीजिएगा कुछ भी, तो सॉल्व करना सीखिए। जितना हम कॉन्सेप्ट होता है, जितना टाइप का क्वेश्चन है टोटल पढ़ा देंगे। आइए देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों इसका भी प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि कहता है प्रॉपर्टी कि साइन बाहर हो और साइन इनवर्स अंदर हो तो इसका वैल्यू एक्स हो जाता है। दोस्तों एक्स तभी होगा जब अंदर साइन इनवर्स हो और बाहर साइन हो, तब देख रहे हैं बाहर तो साइन है लेकिन अंदर साइन नहीं है, यानी कॉट को साइन में बदलना पड़ेगा तब जाकर साइन से साइन इनवर्स खत्म होगा तो बचेगा एक्स। आइए देखते हैं कैसे बदलते हैं। देखिएगा बदलने के लिए इसको हम थीटा मान लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा मान लें, आपकी मर्जी कुछ मान सकते हैं, अगर थीटा मान लें कुछ भी मान लीजिए, वाई मान सकते हैं आप, तो आप बताइए यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए इनवर्स इधर आएगा, देखिए इस तरह समझाते हैं, इनवर्स इधर आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। आपको मालूम होना चाहिए कि इनवर्स जब इक्वल टू के साइड चेंज होता है तो इनवर्स खत्म हो जाता है, तो एक्स इधर बच गया कॉट इधर आएगा तो बाबू हो जाएगा कॉट थीटा। आप एक बात बताइए, कॉट थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा बराबर एक्स, तो आप बताइए एक्स के नीचे कुछ नहीं तो वन है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी होता है, आपने पढ़े होंगे क्लास 10 में। तो बी बटा पी होता है, एच निकालना है तो एच का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, एच का पी स्क्वायर है तो वन है, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, अब बी स्क्वायर यानी एक्स के हो स्क्वायर, यानी हमने एच बराबर रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकालना बहुत ही जरूरी था। जब तक ये नहीं निकालिएगा कैसे इसको कन्वर्ट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। आइए अब इसको कन्वर्ट कर, आपका क्वेश्चन अब हो जाएगा साइन, अगर कॉट को हम साइन लिखना चाहते हैं, साइन पहले वो कॉट था, अब अगर साइन लिखेंगे तो यहाँ जो कॉट था वो बी बटा पी था, अब साइन जब लिखेंगे तो पी बटा बी लिखेंगे, पी बटा एच होता है, यानी साइन का क्या होता है पी बटा एच। तब पी का मान बताइए, तब पी का मान वन है तो वन, एच का मान बताइए तो एच का मान ये है यानी रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ खत्म। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हमने दिया है, इनवर्स था तो यहाँ पे इनवर्स रहेगा, यानी यहाँ पे इनवर्स था तो यहाँ भी क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कितना आसान हो गया,
साइन इनवर्स से साइन अब जाके खत्म होगा, तो यहाँ पर बचेगा वन बटा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। साइन इनवर्स से साइन तभी खत्म होगा जब दोनों एक जैसा होगा, यानी एक इनवर्स में होगा एक बिना इनवर्स में होगा। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा तो बचेगा एक्स, तो एक्स हमने लिख दिया, तो एक्स का वैल्यू ये था तो ये लिख दिया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ से बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों, टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू बाई इलेवन इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। तो बोला है कि ए का वैल्यू बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन 2010 में सेट ए में पूछा है। देखिए हम क्यों बोले कि इतना क्वेश्चन पढ़ाएंगे, पता है क्यों? ये मेरा सीरीज जो चलेगा 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन जितना ट्रिगो से पूछा है आपको सब मिलेगा। दूसरा चीज न्यू पैटर्न पर जितना क्वेश्चन आधारित वो मिलेगा। तीसरा चीज कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, थ्योरी के साथ मिलेगा, बिना थ्योरी के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, टोटल थ्योरी के साथ बताएंगे। बस आप 90 दिन क्लास कीजिए और जाके एग्जाम में बैठ जाइए, आपका ना 90 प्लस नंबर आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 बाई टू प्लस 10 इनवर्स 2 बटा 11 इक्वल टू इतना। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन सा प्रॉपर्टी तो ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसका ये प्रॉपर्टी होता है। इसी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। आइए देखिए कैसे, ये जो है वैल्यू वो 10 इनवर्स एक्स है और ये जो वैल्यू है वो 10 इनवर्स वाई है। ध्यान से देखिएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस पर फॉर्मूला पर लिखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू 1 बटा 2, वाई का वैल्यू 2 बटा 11 बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू 1 बटा 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 बटा 11 इक्वल टू 10 इनवर्स ए है, तो 10 इनवर्स ए लिख दिया हमने। बहुत अच्छा से फिर से समझिएगा, ये x का वैल्यू y का वैल्यू 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, तो अगला स्टेप है 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 22 होगा दोस्तों, इसका एलसीएम 22 होगा। अब 22 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो 11 होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा, 2 × 2 = 4। और यहाँ पे देखिएगा 1 के 1 होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और नीचे नीचे 11 × 2 = 22 होगा। इक्वल टू में 10 इनवर्स ए है तो 10 इनवर्स ए। दोस्तों अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, 10 इनवर्स 11 और 4 15 हो जाएगा, अब बट्टा में 22 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 22 आएगा, 22 में से 2 जाएगा 20 बचेगा। देखिए फिर से 22 एक कैल्शियम 22 होगा, नीचे अभी नहीं लिखे हैं, 22 एक कैल्शियम 22 होगा, यहाँ 22 आएगा तो 22 में से 2 जाएगा तो 20 बचेगा, 22 से 22 कट गया। इक्वल टू में यहाँ 10 इनवर्स ए है तो 10 इनवर्स ए लिख दिया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे ये जब कट गया ये भी कट गया, 5 से कटेगा, 5 × 15 और 5 × 4 = 20, तो इधर बच गया 10 इनवर्स 3/4, यहाँ बच गया 10 इनवर्स 3/4, इधर बच गया 10 इनवर्स ए बच गया। 10 इनवर्स से 10 इनवर्स खत्म हो, आप कहिएगा सर 10 इनवर्स से 10 इनवर्स तो नहीं बताया, चलिए इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 3/4। आप पता है कि इक्वल टू चेंज होगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, और ये तो 10 इनवर्स रहेगा ए, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा तो ए बराबर होगा 3/4। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में पूछ दे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छा से समझिए और नोट कीजिए। 6 जो है ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव होगा, धुआं जैसे उड़ा देना है, कोई बच्चा फिर इसमें गलती करेगा, ये कोई गलती बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको गलती नहीं करना है और क्या सावधानी बरतना, इसको समझिए। देखिए दोस्तों कोई बच्चा डायरेक्टली क्या करेगा, कॉस इनवर्स से कॉस को खत्म कर देगा, लिख देगा 7π/6, लेकिन उसको पता होना चाहिए कॉस का जो रेंज होता है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π होता है, यानी इसका जो वैल्यू होता है रेंज होता है और कम से कम 0 ज़्यादा से ज़्यादा पाई होता है, पाई से ज़्यादा अगर आ गया इसका आउटपुट गलत हो जाएगा, 0 से कम आ गया आउटपुट
फिर भी गलत हो जाएगा। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इसको बनाने का हम क्या ट्रिक बताए थे, ध्यान से देखिए। इसमें प्रॉपर्टी भी यूज होगा। हमने क्या कहा कि अगर ऊपर वाला ज्यादा हो, समझिएगा ठीक से, और नीचे वाला कम हो। पहले हम क्या पढ़ाए थे, इसके पहले बताए थे कि ऊपर वाला कम हो नीचे वाला ज्यादा हो, तो समझिएगा। ऊपर वाला अगर कम रहता नीचे वाला ज्यादा होता है तो माइनस करने पर ये आ जाता है। देखो माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा हो नीचे वाला कम हो तो प्लस करने पर आ जाता है। देखो कैसे, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना जब प्लस कीजिएगा तो, इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे वन होगा, तो छः एकम छः और छः पाई और एक पाई सेवन पाई बटा सिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, इसे लिख देंगे पाई प्लस पाई बटा सिक्स। दोस्तों लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस इसको तोड़ दिया है। अब एक फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला ये याद नहीं होगा तब तक फिर दिक्कत होगा। कॉस एक सौ अस्सी प्लस थीटा, दोस्तों कॉस एक सौ अस्सी प्लस थीटा, ये एक सौ अस्सी होता है, प्लस करने पर ये इसमें आएगा, इसमें प्लस करने पर इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा प्लस करने पर। जब प्लस करने पर इस क्वाड्रेंट में आएगा तो बताइए कॉस जो इसमें होता है वो नेगेटिव होता है, कॉस इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ कॉस जब नेगेटिव होता है तो लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या किया, हमने देखा कि कॉस एक सौ अस्सी प्लस थीटा क्या होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा होता है। अब ये माइनस जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस माइनस पाई बाई सिक्स नहीं होगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। देखो एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस एक सौ, तो इसका फॉर्मूला पाई माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होता है, तो कॉस के लिए। उसके बाद टेन में नहीं होता है, कॉट में होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो, ये लिख रहे हैं नोट कर लीजिएगा, तभी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी यूज होता है सेक इनवर्स के साथ, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक सौ अस्सी माइनस थीटा। देखो दोस्तों कॉस एक सौ अस्सी माइनस थीटा, तो एक सौ अस्सी ये होता है, एक सौ अस्सी ये होता है, माइनस थीटा कीजिएगा तो सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में, सेकेंड में आएगा। अब सेकेंड में ए एस टी सी हम पढ़ाए थे, ए माने ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, इसको इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थीटा नहीं देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आज, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल कर दिया है, यहाँ पे इसको तोड़ा है हम, फिर तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिएगा तो होगा कॉस, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा छ, और छ में से एक जाएगा पांच पाई बाई सिक्स हो जाएगा। दोस्तों अब आप कहिएगा कि कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, लेकिन रीजन है खत्म तभी होगा जब इसको सॉल्व करने पर, सॉल्व करने पर जीरो या पाई, जीरो से ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी जीरो से कम नहीं आना चाहिए, पाई से ज्यादा नहीं आना। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं, पांच गुणे, पांच गुणे पाई माने एक सौ अस्सी होता है, अब बटा छ, छ से कटाइएगा छ तेरी अठारह तीस, और तीन पच्चे पंद्रह डेढ़ सौ। आप एक बात बताइए, पाई माने जीरो, पाई माने एक सौ अस्सी, हम कह रहे हैं एक सौ अस्सी से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम होना चाहिए, तो देखिए एक सौ पचास एक सौ अस्सी से कम है। इसका मतलब ये जो इसका थीटा है, थीटा यानी एक्स जो है ये थीटा, ये इस रेंज में है तभी कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं, बात समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं, यहाँ तो हम फार्मूला लगाए, यहाँ के बाद ये फार्मूला है, ये फार्मूला तीन गो में अप्लाई होता है, कॉस में, कॉट में, सेक में, बाकी में अप्लाई ये पाई नहीं लगता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये फार्मूला अप्लाई किए तो इसको सॉल्व किए, कॉस इनवर्स से कॉस तभी खत्म होगा जब इसका रेंज ये पालन करेगा। रेंज हम देख रहे हैं 150 है ना, ये कह रहा है कि मैक्सिमम 180 होना चाहिए, मिनिमम जीरो होना चाहिए, इसके बीच में है, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा, आंसर हो जाएगा पांच पाई बटा सिक्स, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों इसको एक बार में ना समझ में आए दो तीन बार देखें, ना समझ में आए डाउट क्लास में ज्वाइन करें, व्हाट्सअप चैनल में और मैसेज करें, नोट करें। सेवन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन जो है बोल रहा है कि कॉस इनवर्स वन बाई टू है प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू है, तो ये क्या होगा। देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि कॉस इनवर्स,
1/2 कितने डिग्री का मान है कॉस, तो कॉस जानते हैं 60 डिग्री का मान है। अब बताए थे कि 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो पाई बाई थ्री लिख देंगे, यानी कॉस पाई बाई थ्री। तो ये कॉस जो पाई बाई थ्री लिखा हुआ है ना, ये 1/2 का मान लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस 2 है तो 2 रहेगा, और यहाँ पे साइन जो है साइन इनवर्स रहेगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि साइन कितने डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का है, तो साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। दोस्तों रेडियन में बदलने के लिए हम सिखा दिए हैं कैसे बदलेंगे। यहाँ पर देखिएगा कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, तो पाई बाई थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रहेगा, और साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो इनटू में पाई बाई 6 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई थ्री दोस्तों, और ये हो गया पाई बाई थ्री। एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, ऊपर पाई पाई मिलकर 2 पाई होगा, ये आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ क्वेश्चन जो है वो शॉर्टली है, बहुत छोटा है, इसलिए क्वेश्चन को एक साथ दोनों को बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये कह रहे हैं कि कॉस है बाहर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो अंदर, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ये कॉस है तो कॉस रहेगा, और इसका वैल्यू फार्मूला आइडेंटिटी पढ़ाए थे कि इसका वैल्यू होता है पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू माने कॉस 90 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। आंसर हो गया एक ही लाइन में। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तब माइनस रहेगा, लेकिन रूट थ्री टेन कितने डिग्री का मान है, तो टेन 60 डिग्री का मान है, क्योंकि 10 0 0 होता है, 10 30 1 बाई रूट थ्री होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 रूट थ्री होता है। तो 10 60 को लिखेंगे 10 पाई बाई थ्री लिखेंगे, तभी तो 36 18 60 डिग्री होगा। अब देखिए अंदर ले जाएंगे माइनस को, तो 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाई थ्री होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पाई माइनस, देखिए समझिए यहाँ पे लॉजिक समझिए, आप सोच रहे होंगे जैसे हमने लिखा था कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 100, तो अगर अंदर ले जाएंगे तो होगा कॉस इनवर्स पाई माइनस एक्स होगा, लेकिन वही अगर 10 के साथ होता, 10 माइनस 10 इनवर्स एक्स होता, तो अंदर ले जाइएगा तो 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स ये पाई माइनस एक्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये सिर्फ क्या होगा, तब माइनस एक्स होगा। ये हम तीन गो में लिखवाए थे कि किस में होता है, एक कॉस में, एक कॉट में, और एक सेक में, इसलिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा वो माइनस में होगा, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री, ये आंसर हो गया। तो इसका ये आंसर होगा, उसका वो आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा और नोट कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 क्या कह रहा है कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/4 ये किसके बराबर होगा, ये बताना है। ये 2017 में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए कुछ नहीं करना, हम फार्मूला लिखवाए थे इसके जस्ट पहले कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला। दोस्तों क्या लिखवाए थे, 10 इनवर्स वाई का फार्मूला, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई लिखवाए थे, उसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/2 इंटू 1/4। आगे अगर देखिएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, एलसीएम 4 तो 2 जब 4 तो 2 होगा, यहाँ 1 होगा। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस ये सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो 10 इनवर्स, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 8 आएगा, 8 यहाँ 1 जाएगा तो 7 बचेगा, देख रहे हैं। अभी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4, ये पलटेगा तो 8/7 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 कट गया, तो आंसर हो गया 10 इनवर्स 3 × 2 = 6/7, यानी आंसर हो गया 10 इनवर्स 6/7। तो यहाँ पे आंसर होगा 10 इनवर्स 6/7। ये 2017 में पूछ चुका है क्वेश्चन, खैर का ज़्यादा दम नहीं है इसमें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 11 के बाद थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे, और ये आज पहला दिन था तो हमने थोड़ा सा कम क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन अगले दिन से ये कम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि 90 दिन का हम जो आप लोगों से वादा किए हैं, 90 दिन से एक दिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और टोटल इतना भी पढ़ाऊंगा कि कुछ छोड़ूंगा भी नहीं, यानी कि 100% सब के सब पढ़ाएंगे, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, आपको फील नहीं होगा कि छूटा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन, अब ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स का मान बताइए। एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, क्या था, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2 होता है। अब इसी प्रॉपर्टी का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे,
तो आप बताइए अगर साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक बटा पाँच प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजक्वल टू साइन इनवर्स वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया है, ये ब्रैकेट वाला चीज ये ब्रैकेट में से बाहर कर दिए, ये साइन इधर आया साइन इनवर्स वन हो गया। देखिए दोस्तों अगला स्टेप साइन इनवर्स एक बटा पाँच प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वन, साइन वन कितने डिग्री का मान है तो आपको ये 90 डिग्री का, और 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बटा टू लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बटा टू लिखेंगे, क्यों लिखे हैं साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ओ ये साइन पाई बटा टू है ना वो वन होता है इसीलिए इसको लिखे हैं। साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक बटा पाँच प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजक्वल टू पाई बटा टू हो जाएगा। आप बताइए ये आइडेंटिटी में क्या कहता है, ये कहता है एगो साइन तो एगो कॉस, तो दोस्तों एगो साइन तो एगो कॉस अब बराबर किसके होता है पाई बाई टू के। तो आप एक बात बताइए जब ये पाई बाई टू के बराबर होता है तभी तो ये बराबर होता है दोनों थीटा, यानी कि ये दोनों थीटा बराबर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए जब एगो साइन हो एक कॉस हो और दोनों के बीच में प्लस हो इसके बराबर हो पाई बाई टू तो दोनों के थीटा बराबर होते हैं, ऐसा आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। तो आप बताइए ये भी है बराबर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब है, केवल थीटा बराबर नहीं है। तो थीटा क्यों बराबर हुआ, क्योंकि पाई बाई टू है, क्योंकि दोनों का सम जब पाई बाई टू होता है तो थीटा बराबर होता है, और जब थीटा बराबर होता है तब पाई बाई टू होता है। समझिए अगर थीटा बराबर है तो पाई बाई टू ऑटोमेटिक होगा, अगर पाई बाई टू पहले से है तो ये थीटा बराबर होगा, ये थीटा बराबर होगा, इसलिए थीटा बराबर होगा तो एक्स बराबर वन बटा पाँच होगा, एक्स बराबर वन बटा पाँच आंसर आ गया। दोस्तों अगले दिन से आपको फील होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में, अगले क्लास के इंतजार बनाए रखें, एक भी दिन आप ऑब्सेंट ना करें, क्वेश्चन कॉपी कलम पे जरूर लिखें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।